अब हम बात करेंगे लिमिट क्लॉज की। लिमिट क्लॉज क्या है? लिमिट हमें बाय वर्ड ही पता है कि लिमिट किसी भी चीज पे, किसी डेटा सेट पे, किसी डेटा बेस पे कोई लिमिट लगा देना। तो यहाँ पे लिमिट क्लॉज क्या काम करता है? ये एक लिमिट लगा देता है कि अगर आप कोई लिमिट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा बेस शो करना है जिसमें लिमिट जो हो वो नंबर ऑफ रोज 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो वो आपको आपके डेटा सेट में से, डेटा बेस का जो टेबल होता है उसमें से जो अपर 3 to 4 रोज, जो आप जितनी रोज की आप लिमिट लगाते हैं उतनी रोज आपको आउटपुट में शो करता है। तो लिमिट जो होती है वो सर्टेन अपर लिमिट जो है वो लगा देता है नंबर ऑफ रोज पे टू बी रिटर्न एज एन आउटपुट। आउटपुट के तौर पे ये जो आपके डेटाबेस में पर लिमिट वाले जो रोज होती हैं उनको शो कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जो हम स्टूडेंट टेबल की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उस स्टूडेंट टेबल में से लिमिट कर दे 3 को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स की, यानी 1001, 1002, 1003 जो स्टूडेंट्स होंगे, ये 1, 2 एंड 3 इन स्टूडेंट का डेटा मुझे शो करेगा, ना कि मुझे 4, 5, 6, 7, 8 up to 101 जो डेटा सेट में मौजूद डेटा होगा उसको शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो ये मुझे 1004 का डेटा भी शो कर देगा। तो इसी तरीके से डेटा सेट में हम लिमिट जो होती है वो किसी भी रोज को जो आउटपुट के तौर पे हम शो करवाना चाहते हैं उस पे लिमिट अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं जी इसको MySQL Workbench। सिलेक्ट डेटा फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ लिमिट 4, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का डेटा शो करता है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 85 और लिमिट लगा दी है हमने 4 स्टूडेंट की, यहाँ पे मैं इसको लिमिट को 3 कर देता हूँ। लिमिट 3 करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे मुझे 4 स्टूडेंट का डेटा देगा जिनके मार्क्स जो है 85 से ग्रेटर है, बट वो स्टूडेंट जो है वो 3 नहीं 2 है। तो यहाँ पे हमें इस लिमिट के अकॉर्डिंग इस डेटा को मीट करते हुए वो इस लिमिट के अंडर अंडर हमें डेटा शो करता है।